ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् त्येन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृध कस्य स्विधन यत्किंच जगत्यां जगत्। इतना सा भी, एक इंच सा भी हमारा नहीं है, इतना सा भी कुछ हमारा नहीं है इस धरती पर, इतना सा भी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार और यहाँ तक के सारे ऐश्वर्य के साथ, ये मेरी देह भी मेरी नहीं है, ये सब उस परमात्मा का दिया हुआ मुझे उपहार है। है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज्यादा है। ये भी कर लू, वो भी कर लू, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये भी बटोर लू, वो भी बटोर लू, ये भी रख लू, वो भी रख लू, और सवार लू, और सजा लू, और बढ़ा लू। है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज्यादा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। जिधर भी देखो आप, जिसको भी देखो आप, जिस तरफ भी देखो आप, और जो जो आपको इन आंखों से दिखाई देता है उनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला कह उठा, लेने वाला कह उठा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये सब कुछ मेरा है। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से, पर मेरा मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया, सब कुछ किसी का है दिया, सब कुछ किसी का है दिया। इतना सा भी कुछ हमारा नहीं है, इतना सा भी कुछ हम लेकर नहीं जाते हैं, और इतना सा भी कुछ लेकर आए नहीं है। ये यही मिला था और यही छूटेगा, ये यही इकट्ठा किया ये यही रह जाएगा। समुद्र के किनारे बालक बड़े प्यार से, बड़े चाव से घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बहुत सी आकृति बनाते हैं, बालू को इकट्ठा करते हैं, रेत को इकट्ठा करते हैं, और उसमें अच्छे अच्छे मकान बना देते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, सब अलग अलग सबने मकान बना लिए हैं, ये मेरा घर है। लेकिन वो मकान ज्यादा देर थोड़ी रहते हैं, थोड़ी देर में ही अब वो किसी का नहीं है। अब वो जिस समुद्र से लिया था बालू को, रेत को, अब वो उसी का है। हम भी यहाँ आते हैं, अपना अपना घरौंदा बनाते हैं, अपने अपने रिश्ते जोड़ते हैं, अपना अपना दायरा बनाते हैं, अपनी अपनी सीमाएं खींच देते हैं, अपनी अपनी रेखाएं बांध देते हैं। यहाँ तक मेरा साम्राज्य है, ये मेरे मकान की दीवार है, ये मेरे घर की बाउंड्री है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, ये हमने अपने भीतर ही एक अपना दायरा बना लिया, ये मेरे हैं, ये मेरा है, यहाँ तक मेरा है, यहाँ से आगे किसी और का है। और इस तरह से हमने यहाँ आकर के सारी व्यवस्थाएं, सारे रिश्ते, सारे घरों दे यहीं आकर सजाए। लेकिन जब सजा रहे हैं तो मोह कर बैठे उनसे, और ये समझ बैठे कि हमेशा के लिए मेरा है, सदैव के लिए ये मेरा है, हमेशा ये रहने वाला है, इस पर मेरा अधिकार रहेगा, ये मैंने बनाया है, ये मेरा है। पर याद करो उस वक्त को कि जब इस दुनिया में आए थे तो हमारा कुछ भी नहीं था, सच में कुछ नहीं था। माँ ने कहा कि मैं तेरी अपनी हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है, हमने उसको अपना मान लिया और बता दिया कि ये तेरे पिता है, ये तेरे पालन करता है,
ये तेरे नाम दाता है, जीवन दाता है, हमने उसको अपना मान लिया। फिर दायरा बढ़ा, ये तेरे अपने हैं, ये तेरे अपने हैं, ये तेरे अपने हैं, और इस तरह से हमने अपना एक दायरा बना लिया। फिर संतों ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, संतों ने फिर उस मोह बंधन से छुड़ाने के लिए हमें थोड़ा सा खींचा और हमें हमारे दायरे को समाप्त करने की आज्ञा दी और आदेश दिया और कहा कि नहीं, ये इतना सा ही छोटा तेरा दायरा नहीं है, इससे आगे बढ़ो, ये समस्त परिवार, ये समस्त संसार, ये सारी दुनिया तेरा घर है, ये सारी दुनिया तेरा घरौंदा है, ये सारी दुनिया तेरा अपना परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। यही तेरा नहीं है। जब मैं वो आपने एक कविता की लाइन है शायद हिंदी की जो पढ़ी होगी, अब तो मेरे स्मरण में ज्यादा नहीं है, कि वो चिड़िया की, जब मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। मैं एक एक तिनका करके इस घोंसले को बनाती रही, बनाती रही, बनाती रही। मैंने खूब परिश्रम किया क्योंकि एक एक तिनका जोड़ा था, और इधर उड़ान भरी, उधर उड़ान भरी, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, लाते लाते वो तिनका कई बार गिरा, कई बार छूटा, फिर उठाया, फिर छूटा, बार बार बना करके काफ़ी समय लगा। जब मैंने घर बना लिया, मैं उसमें रहने लगी, मैंने समझ लिया कि अब बस यही मेरा संसार है। जब मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लेकिन जब मैं उड़ी आसमान में दूर तक पंख पसार, जब मेरी उड़ान दूर तक हुई, अभी तो घरौंदे में ही थी तो लगता था कि यही संसार है, यही दुनिया, इतना सा ही छोटा संसार है। लेकिन जब मैं उड़ी आसमान में दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तभी समझ में मेरी आया ये इतना सा ही घरौंदा नहीं है, ये इतना सा ही जीवन नहीं है, ये इतनी सी ही विचारधारा नहीं है, ये इतनी संकुचित सोच नहीं है। अरे मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो परमात्म स्वरूप हूँ, मैं तो ईश्वर अंश हूँ, मैं तो ईश्वर पुत्र हूँ, मेरा आकार इतना छोटा नहीं हो सकता, मैं तो उस निराकार ब्रह्म से प्रकट हूँ, इसलिए मेरा दायरा, मेरी प्रतिभाएं, मेरी क्षमताएं, मेरी उड़ान बहुत ऊंची है, मैं बस इतने से के लिए नहीं आया। मेरा हृदय इतना विराट है कि पूरी दुनिया इसमें समा जाए, मेरा जीवन इतना विराट है पूरा ब्रह्मांड इसमें समा जाए, और मेरे रिश्ते इतने गहरे हैं कि यहाँ कोई पराया नजर ही नहीं आए। मेरी उड़ान इतनी छोटी नहीं हो सकती, मेरी उड़ान बहुत ऊंची है। मिलेंगी परिंदों को मंजिलें, ये उनके हुनर बोलते हैं, रहते हैं कुछ लोग खामोश। मिलेंगी परिंदों को मंजिलें, ये उनके पर बोलते हैं, रहते हैं कुछ लोग खामोश पर उनके हुनर बोलते हैं। कुछ लोग विरक्त हैं इस दुनिया से, संसार से, संसार में रहकर भी संसार से अलग है। वो हमें जीवन का दायरा बताते हैं कि तुम्हारा दायरा इतना छोटा नहीं है, क्यों इतने छोटे में संतुष्टि करते हो, जब बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए आए हो तो क्यों इतने छोटे में ही सीमित हो जाते हो, अरे कुएं के मेंढक क्यों बनते हो, अगर जल में ही रहना है तो विशाल सागर के भीतर रहना सीखिए, कुएं में मेंढक बनकर क्यों फुदक रहे हो? क्योंकि उसको यही लगेगा यही मेरा घेराव है, यही जल है, इतना ही जल है दुनिया में, और कहीं जल नहीं है। पर जब सागर में हम जाते हैं तब पता चलता है कि हमारे गहराई कितनी है, इस सागर की विशालता कितनी है, यहाँ क्या नहीं है, हम यहाँ से क्या नहीं प्राप्त कर सकते, पर हम यहाँ क्या बटोर रहे हैं और किस में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये घर मकान, ये मेरा घरौंदा, ये मेरे जीवन शरीर की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मेरे परमार्थ की व्यवस्था, मेरे परलोक की व्यवस्था, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का सार, मेरे जीवन का मूल है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, उस वृहद को प्राप्त करना, उस ईश्वर को प्राप्त करना और अपनी खोज पूरी कर लेना।
अपनी खोज पूरी कर लेना, खुद को ढूंढ लेना, वसुदेव कुटुंबकम बन जाना। ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये सब मेरे अपने हैं, यहाँ कोई पराया नहीं है। लेकिन ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, इसमें उलझना नहीं है। ये मेरा है तो सही, पर कुछ पल के लिए, जब तक यहाँ हूं तब के लिए। ये मेरा है, मेरा है, ऐसा करके मोह नहीं लाना है। ये मेरा है तो सही, पर कुछ पल के लिए। मेरा अधिकार इस पर नहीं है, जब तक मैं इस घरौंदे में हूं तभी तक मेरा है, उसके बाद ये मेरा नहीं है, उसके बाद नहीं है ये मेरा। बस अभी जब तक हम हैं, ये जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये जितना भी संसार है, ये जो भी दुनिया है, ये सब हमारे लिए है, हमेशा के लिए हमारी नहीं है। हम सब यहां किराएदार हैं। क्या है? किराएदार। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर सा मकान बनाया, बहुत सुंदर, बहुत पैसा उसमें लगाया और संत को उसमें लेकर गए कि गृह प्रवेश है, आप थोड़ा सा चरण रख दीजिए। जब लेकर गए तो संत ने कहा, वाह क्या बढ़िया धर्मशाला बनाई है तुमने। तो इसको क्रोध आ गया, मैंने जीवन की पूंजी लगा दी, मैंने क्या कुछ नहीं लगा दिया इस घर में, और आपको यह धर्मशाला दिखती है? यह मेरा घर है, आपने कैसे कह दिया यह धर्मशाला? अरे भैया यह धर्मशाला ही तो है, और है क्या। धर्मशाला में कुछ दिन यात्री आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। इसमें क्या तुम सदैव रहने वाले हो? ये भी धर्मशाला है, आज तुमने बनाई है, कुछ दिन रहोगे, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, तुम कुछ दिन रहोगे, चले जाओगे। आते जाते रहते हैं इस धर्मशाला में यात्री, सदैव के लिए। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, कोई यहाँ ठहरता नहीं है, सदैव के लिए यहाँ कोई नहीं रुकता है, सब आने जाने वाले है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। सब यहाँ अपने, जरा आंखें खोल कर देखो।